Good morning students. I hope you are well at your side. Today we will continue our chapter number third of Civic's Constitutional Designs. In this chapter or in this topic, we discussed about the Constituent Assembly. Jo सी का रिवाइज सिलेबस आया है उस सिलेबस में इस मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से पहले इस चैप्टर में मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से पहले जो साउथ अफ्रीका वाला जो चैप्टर टॉपिक है साउथ अफ्रीका और कॉन्स्टिट्यूशन इन द साउथ अफ्रीका अपार्थाइड सिस्टम उसको उस पोर्शन को डिलीट कर दिया है वो हमने केवल एक नॉलेज के लिए पढ़ा है बट उसका एग्जाम में उस पोर्शन से कोई क्वेश्चंस नहीं आएगा तो वाइस वुल बी एक्सेप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन मेड बाय दिस असेंबली मोर देन 50 ईयर्स एगो ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी जिसमें 299 मेंबर्स थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में ड्राफ्ट करने में तो हमने इसको क्यों एक्सेप्ट किया इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बनाए हुए वो भी मोर देन फिफ्टी ईयर्स एगो वी हैव ऑलरेडी नोटेड वन परसेंट अबोव द कॉन्स्टिट्यूंट डज नॉट रिफ्लेक्ट द व्यूज ऑफ इट्स मेंबर्स डज नॉट रिफ्लैक्ट द व्यूज ऑफ इट्स मेंबर्स अलॉन् इट एक्सप्रेस एज ए ब्रोड कॉन्शियंस ऑफ इट्स टाइम ये केवल उन पर्टिकुलर पर्सनस के ही व्यूज नहीं थे बट के उस टाइम पीरियड में सभी लोगों के वो व्यूज थे कॉन्शियंस थे मैनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड हैव हैड टू री राइड देयर कॉन्स्टिट्यूशन अप्रेश बिकॉज द बेसिक रूल्स वर नॉट एसेप्टेड टू ऑल मेजर सोशल ग्रुप्स और पोलिटिकल पार्टीज तो कई कंट्रीज़ के जो कॉन्स्टिट्यूशन हैं वो कई बार चेंज हो गए हैं और उनमें से एक, एक एग्जाम्पल है नेपाल का कि वहाँ कई बार कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो जाता है और उसके पीछे रीजन क्या है कि वो पूरी पब्लिक द्वारा एक्सेप्ट नहीं होते और पॉलिटिकल पार्टी भी उनमें पूरी तरह से इन्वॉल्व नहीं होती हैं। इन सम अदर कंट्रीज द कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्ट एज ए मेयर पीस ऑफ पेपर केवल एक पेपर का टुकड़ा होता है अदर कंट्रीज में हम देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन जस्ट नॉट अबाउट ए पीस ऑफ ए पेपर बट इन इंडिया कॉन्टेंट इन इंडिया द कॉन्स्टिट्यूशन ज ए लिविंग डॉक्यूमेंट अपने यहां पर वो लिविंग डॉक्यूमेंट है द एक्सपीरियंस ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज डिफरेंट ओवर द लास्ट हाफ ए सेंचुरी सेवरल ग्रुप्स है प्रोविजन्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट नो लार्ज सोशल ग्रुप्स और पोलिटिकल पार्टी हैज एवर कॉन् क्वेश्चन द लेजिटिमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इट्स तो कई लोगों ने बार बार इसका विरोध किया कि इसमें कुछ चेंजेस होने चाहिए बट किसी ने ये नहीं कहा कि पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को ही बदल देना चाहिए या इसके बेसिक जो फंडामेंटल्स हैं प्रिंसिपल्स हैं उनको चेंज कर देना चाहिए दिस इज एन अनयूजल एचिवमेंट फॉर एनी कॉन्स्टिट्यूशन और ये अपने आप में एक अनयूजल अचीवमेंट है एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि उस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वालों ने जिसे आज से इतने साल पहले बनाया वो आज भी एक मायने रखता है आज भी उसमें कुछ ज्यादा चेंज की जरूरत नहीं है द सेकेंड रीजन फॉर एक्सेप्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन इज दैट द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली रिप्रेजेंटेड द पीपल ऑफ इंडिया एक रीज़न तो ये था कि उस समय जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया वो ना केवल कुछ लोगों के व्यूज़ थे बल्कि पूरी पब्लिक के व्यूज थे और सभी सोशल ग्रुप्स और पॉलिटिकल पार्टी को वो एक्सेप्टेड थे और आज भी वो मायने रखता है कि कई कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन कई बार चेंज हो गए बट इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा चेंज नहीं मांग रहा दूसरा रीजन था कि कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो थी वो रिप्रेजेंट करती थी ऑल ओवर द पीपल ऑफ द इंडिया देयर वॉज नो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी एट दैट टाइम सो द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कुड नॉट हैव है डायरेक्टली बाई ऑल द पीपल ऑफ इंडिया इट वॉज इलेक्टेड मेनली बाई द मेम्बर्स ऑफ द एग्जिस्टिंग प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स दैट वी मैंशन अबाउ दिस एन्श्योर्ड ए फेयर जोग्राफिकल शेयर ऑफ मेंबर्स फ्रॉम ऑल द रीजन्स ऑफ द कंट्री तो एक एलिगेशन लगता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो इलेक्शन थे वो डायरेक्ट इलेक्शन नहीं थे पीपल्स ने उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था लेकिन इसको जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर्स के जो इलेक्शन हुए उनको जो डिफरेंट रीजन से जो लोग मेंबर्स थे उन्होंने इसको इलेक्ट किया था तो इससे पता चलता है कि हर रीजन के लोगों का इसमें पार्टिसिपेशन था दिस एंश्योर्ड ए फेयर जियोग्राफिकल सेयर ऑफ मेंबर्स फ्रॉम ऑल द रीजन्स, ऑल द रीजन्स ऑफ द कंट्री द असेंबली वॉज डोमिनेटेड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस जो असेंबली पर मेन कंट्रोल था डोमिनेंस था वो इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी का था द पार्टी दट हैड लीड इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल्स बट द कांग्रेस इट सेल्फ इंक्लूडेड ए वैरायटी ऑफ पॉलिटिकल ग्रुप्स एंड ओपिनियंस पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस का उस समय डोमिनेंस था बट कांग्रेस पार्टी में भी कई सारे ओपिनियंस थे कई सारे ग्रुप्स थे द असेंबली हैड मैनी मेंबर्स हु डिड नॉट एग्री विद द कांग्रेस और इस असेंबली में ऐसे मेंबर्स भी थे जो कांग्रेस व्यूज को कांग्रेस के ओपिनियंस को से एग्री नहीं थी द असेंबली हैड मैनी हु डिड नॉट एग्री विद द कांग्रेस इन सोशल टर्म्स टू तो इसका मतलब ये था कि हम ये भी नहीं कह सकते कि ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी वो केवल कांग्रेस पार्टी की असेंबली थी क्योंकि उस पार्टी में कांग्रेस पार्ट उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ऐसे मेंबर भी थे जो कांग्रेस पार्टी को फॉलो नहीं करते थे उससे एग्री नहीं थे द असेंबली हैड मैनी मेंबर्स हु डिड नॉट एग्री विद द कांग्रेस इन सोशल टर्म्स टू द असेंबली रिप्रेजेंट रिप्रेजेंटेड मेंबर्स फ्रॉम डिफरेंट लैंग्वेजेस ग्रुप्स कास्ट क्लासेज और ये भी देखा गया कि उस में असेंबली में जो रिप्रेजेंटेटिव थे दे आर बिलोंग फ्रॉम द डिफरेंट कास्ट डिफरेंट रिलीजनस एंड डिफरेंट रीजन्स ऑल्सो एंड ऑक्यूपेशवन इफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज इलेक्टेड बाई यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी इट्स कम्पोजिशन वुड नॉट है उस समय ये माना जाता है कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के थ्रू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इलेक्शन नहीं हुए थे बट अगर होते उस समय भी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के बेस पर इलेक्शन होते तो भी शायद इसमें इस उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में और यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी द्वारा जो इलेक्टेड कॉन्स्टिटूंट असेंबली में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता क्योंकि उसी मैनर्स में उसका इलेक्टेड किया गया था फाइनली द मैनर इन विच द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर्कड गिव्स सेंसिटी टू द कॉन्स्टिट्यूशन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर्कड इन ए सिस्टेमेटिक ओपन एंड कंसेशुअल मैनर फर्स्ट सम बेसिक प्रिंसिपल्स वर डिसाइडेड एंड एग्रीड अपॉन की कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स थे वो डिसाइड किए गए उनके ऊपर सभी एग्री हुए देन ए ड्राफ्टिंग कमेटी चेयर बाय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर प्रिपेर्ड ए ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन फॉर डिस्कशन तो ड्राफ्टिंग कमेटी का जो चेयरमैन थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर भीमराव अम्बेडकर उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया और उस तैयार किया प्रिपेयर किया और उसे डिस्कशन के लिए पेश किया तो सबसे पहले जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी अर्थात कॉन्स्टिट्यूशन सबसे पहले बनाया गया उस कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहले जो ड्राफ्ट किया गया उसके चेयरमैन बी आर अम्बेडकर थे और उन्होंने ही पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करके डिस्कशन के लिए रखा था सेवरल राउंड ऑफ थ्रू डिस्कशन टुक प्लेस ऑन द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन क्लॉज बाय क्लॉज हर क्लॉज बाय क्लॉज उस पर डिस्कशन हुआ और उस पर सब एग्री हुए मोर देन टू थाउजेंड अमेंडमेंट्स वर कंसिडर्ड The members deliberated for 114 days, spread over three years. Every document presented and every word spoken in the Constituent Assembly has been recorded and preserved. These are called Constituent Assembly debates. हर लाइन को हर वर्ड को कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में बोला गया उसके ऊपर डिस्कशन हुआ और उसके बाद असेप्टेंस होने के बाद ही उस कॉन्स्टिट्यूशन को लागू किया गया वे प्रिंटेड दीज डिबेट्स आर ट्वेल्व बल्कि वॉल्यूम और हर उस डिबेट को एक प्रिंट किया गया रिकॉर्ड किया गया और उसके बाद उसके 12 बल्कि वॉल्यूम्स थे वो तैयार हुए दीज डिबेट्स प्रोवाइड द रैशनइल बिहाइंड एवरी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और ये हर प्रोविजन के पीछे क्या राज था, उसे क्यों एक्सेप्ट किया गया उसका डिस्कशन उसमें था दीज आर यूज इन इंटरप्रीट द मीनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और उन्हीं आर्ग्यूमेंट को आज भी यूज़ किया जाता है इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन की व्याख्या करने के लिए हर एक प्रोविजन का हर एक आर्टिकल का हर एक वर्ड था वो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में डिस्कस्ड हुआ और उसके बाद सबकी एक्सेप्टेंस होने के बाद ही उसे कॉन्स्टिट्यूशन में जगह दी गई